नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के खैरी गांव में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता की उपचार के दौरान मौत। 23 जुलाई को बाइक सवारों ने मारी थी जोरदार टक्कर, तो वहीं प्रदेश स्तरीय नेता सहित समस्त नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ देखें ये रिपोर्ट। कार्यकर्ता थे और शुरू से थे, 90 से ये कार्यकर्ता थे, वो पदाधिकारी भी रहे हैं, लेकिन हमारे बीच एक बहुत पुराना साथी खो दिया। इसके साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है उसके शिकार हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में अगर वहाँ सही से इलाज नहीं मिल पाएगा, लोगों को लिए बड़ा आशा थी, अब निराशा में बदल गई है। मेडिकल कॉलेज में जो हालात हुए उससे हमें बरेली ले जाना पड़ा, जहाँ लाखों रुपये से हम लूट गए हैं, लाखों रुपये की लूट हो गई। प्राइवेट कॉलेज लूट रहे हैं और इस राजकीय मेडिकल से कोई फायदा नहीं हो रहा, इस पर भी एक आंदोलन होगा। दूसरी बात जो है, किसान बीमा जो इन्हें मिलना चाहिए जो 5.5 लाख का है, इसके लिए जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और इसके साथ साथ इन्हें कंपनसेशन और जो मुआवजा है वो उचित दिलाया जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे और मजबूत कार्यकर्ता है, खेती लेवल पर ये अपने खेत पर आ रहे थे और बिल्कुल पगडंडी कच्चे रास्ता में चल रहे थे और दो सवार मोटरसाइकिल पाए तो पीछे से टक्कर मार दी और फिर अस्पताल में यहाँ से रेफर हुए, बदायूं से रेफर हुए, फिर मेडिकल में हुए, फिर मेडिसन मेडिसिटी में हुआ, कल पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो आज फिर गए हम लोग। तो हमारे उसने थाना अध्यक्ष ने वो रिपोर्ट नहीं लिखी और वो निकाल दिए विधायक के कहने से, तो अगर वो अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और सही मुआवजा नहीं मिलता है और हमारा कार्यकर्ता को जो सरकार से एड नहीं मिलती है तो हम थाना और बड़ा आंदोलन चलाएंगे। हमारा कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को सरकार से जो मुख्यमंत्री योजना से जो परिवार का मुखिया खत्म हो गया उससे किसान निधि से दिलवाया जाए, और नहीं तो हम ये बहुत बड़ा ठोस आंदोलन यहीं से चलाएंगे। बाबू खां पुत्र प्यारेल, हाँ, निवासी खैरी बाबू खां।